हैदराबाद गौरव श्री श्री राजीव त्रिवेदी आईपीएस गारु तम विद्याभ्यास राजस्थान विश्वविद्यालय నుండి बीएससी పట్టాను పంజాబ్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎంఏ పట్ట ఎంబీఏ పట్టాను పొందినారు 1985 సంవత్సరంలో ప్రతిష్టాత్మక బ్రిటిష్ కామన్వెల్త్ స్కాలర్షిప్ కూడా కొన్ని టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ నందు సిస్టమ్ అనలిస్ట్ గా పనిచేశారు మరియు జైపూర్ పట్టణంలో ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ నందు డిప్యూటీ కమిషనర్ పోలీస్ మరియు అర్బన్ కమిషనర్ పోలీస్ హోదాలో సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహించడం జరిగింది జోధ్పూర్ మండలం భారత ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరోలో పనిచేసే సమయంలో మార్గ ద్రవ్యాల నియంత్రణలో ప్రముఖ పాత్ర వహించారు 1999 అక్షయ్ ఠాకూర్ అస్సలాము అలైకుం హైదరాబాద్ కమాండర్ రమేష్ హవల్దార్ హరిప్రసాద్ కమాండర్ అందరు ఓపెన్ చూపించే గ్రూప్ పిచ్చాయట Thank you.
ग्राउंड में 355 एआर कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हुआ, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री वी वी श्रीनिवास राव साहब ने और जॉइंट कमिश्नर एआर शिव प्रसाद साहब ने मुझको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। तो मैंने सोचा कि एआर के बच्चे हैं तो मैं थोड़ा इनके सामने एक उदाहरण पेश करूं। तो एक मिसाल पेश करने के तौर पर मैं अपने घर से यहाँ भागता हुआ आया, करीब 19 किलोमीटर करीब 2 घंटे से थोड़ा कम समय में मैं यहाँ पे आया, और मेरे साथ मेरा छोटा लड़का भी भाग के आया। और इसके बाद यहाँ पे ये परेड हुई और इन बच्चों ने जो इनमें से जो अच्छे काम किए हैं उनको प्राइजेस वगैरह मिले। सबके इनके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स यहाँ आए हुए हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। तो मुझे खुशी है यह देख करके कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग इनकी हुई है 9 महीने में और बच्चे एकदम तैयार हो गए हैं और सभी लोग इतने खुश हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कौम की और हमारे देश की सेवा में ये बच्चे जो है नए उत्साह, नए स्फूर्ति और तमरकस के काम करेंगे। और कई लोगों ने इनमें से अच्छे प्राइजेस वगैरह जीते हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो हैं ये अगले सालों में अच्छी खिदमत करेंगे हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की और हमारे तेलंगाना स्टेट की। और ये जो ट्रेनिंग है या हमारे जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस एंड वैकेंसीज, उसके तहत इनका रिक्रूटमेंट हुआ और ये ट्रेनिंग चल रही है। आज कई जगह पे इस तरह की पासिंग आउट परेड हो रही है। तो पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी जो खाली हुई वैकेंसीज थी वो भर जाएंगी। उम्मीद है कि पब्लिक को और हमारे जो देश है उसको अच्छा एक सर्विस, पुलिस सर्विस मिलेगी। ऐसे भी हमारे तेलंगाना का पुलिस डिपार्टमेंट जो है देश में सबसे अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट में से एक है, और गवर्नमेंट भी पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जो लड़के अब आज ज्वाइन करेंगे और इस तरह से ट्रेनिंग के साथ जो लोग आ रहे हैं उससे और बेहतर सर्विस सबको मिलेगी, माशरे में और अच्छी शांति आएगी, या मेरी उम्मीद ही नहीं विश्वास भी।